राहुल जी, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते हैं वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीन सवाल खड़े कहे हैं जो आपके सामने मैं रखता हूँ। एक ये कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि चार जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे, आपने इसका जवाब तो दे दिया। और तीसरा, उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये क्या जो अमेरिका से जो अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये तीन सवाल है, एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी दो के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहाँ क्यों रख रहे हो? नहीं नहीं, ये सवाल हमारा है राहुल। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट का सवाल है। और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। आपने अभी दो मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल है, आपने ही स्वयं आपने स्वयं बोला बीजेपी ने रखा है सामने इस मसले पे, मैंने ये कहा है। नहीं नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल है और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। ही सेड दैट देयर बीजेपीज क्वेश्चंस। इट्स इंटरेस्टिंग टू मी that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting. But anyway, I will leave that. जहां तक